स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो क्लास फर्स्ट, आज आपका सब्जेक्ट है ईवीएस। तो ओपन कीजिए आपकी ईवीएस की बुक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक का पेज नंबर 13 ओपन करेंगे और पेज नंबर 13 पर है आपका चैप्टर 3, माई फैमिली वर्ल्ड, यानी कि मेरा परिवार संसार। यानी कि आप इस लेसन में जानेंगे कि आपकी फैमिली में कौन कौन लोग होते हैं, आपका उनसे क्या रिलेशन होता है और वो आपकी कैसे कैसे फैमिली में आपको मदद करते हैं, आप कैसे उनके साथ एंजॉय करते हैं। तो जानते हैं, चलो इस लेसन में चलते हैं। यहाँ पर एक आपको छोटी सी एक्टिविटी दी गई है और यहाँ पर आपको फिल करना है। और क्या क्या फिल करना है, आइए देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, यानी कि कितने सदस्य हैं, वो यहाँ पर आपको लिखना है। इज इट ए बिग एंड स्मॉल फैमिली, क्या आपकी फैमिली बिग है या स्मॉल। तो यहाँ पर आप फिल करेंगे, यदि आपकी फैमिली बिग है तो बिग फैमिली, अनदर स्मॉल फैमिली। और ये जो बिग और स्मॉल फैमिली कैसी होती है, कितनी बड़ी होती है, ये आप इस लेसन में जानेंगे। जब आप इस लेसन को पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ क्या फिल करना है और आपकी फैमिली किस टाइप की फैमिली है। नेक्स्ट है, डू यू हैव ए पैट, क्या आपके पास कोई पैट है। पैट होता है पालतू पशु जो आप घर में रखते हैं ना। तो यदि आपके घर पर है तो आप लिखेंगे यस, और यदि नहीं है तो आप लिखेंगे नो। व्हाट इज इट्स नेम, उसका नाम क्या है। तो आप, यदि आपके पास पैट है तो आप यहाँ पर उसका नेम लिखेंगे। राइट नेम ऑफ योर फैमिली हेड, फैमिली में एक हेड होते हैं, हेड यानी कि जो सबसे बड़े होते हैं उनका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। तो राइट नेम ऑफ योर फैमिली हेड, जो भी आपकी फैमिली में हेड हैं उनका नेम यहाँ पर आप लिखेंगे। हु अर्न मनी इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में मनी यानी कि पैसे कौन कमाता है, यानी कि पैसे कमाने के लिए जॉब पर बाहर कौन जाते हैं। तो उनका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। Whom did you love the most in your family? आपकी फैमिली में आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करते हैं। तो यहाँ पर आप उनका नाम लिखेंगे जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। चलते हैं लेसन की तरफ। तो यहाँ पर आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे। बच्चों, क्या दिया गया है, पीपल हु लिव विद अस इन अवर फैमिली होम मेक ए फैमिली, लोग जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं वो मिलकर फैमिली बनाते हैं। They all are called family members. उन सभी को परिवार का सदस्य कहते हैं। Members मतलब सदस्य, family मतलब परिवार। उन सभी को परिवार के सदस्य कहा जाता है। They are all related to each other. वे सभी एक दूसरे से related होते हैं, यानी कि एक दूसरे से सभी का संबंध होता है। They all share a common surname. जो फैमिली के सभी सदस्य होते हैं उनका सरनेम एक ही होता है, यानी कि वो एक ही सरनेम शेयर करते हैं। जैसे कि आपकी, आपका जो नेम है, आपका जो सरनेम है वो ही आपके पापा, आपके दादा, जो उनका सरनेम है वो ही आपका सरनेम है। तो सरनेम होता है जो आपके नाम के पीछे लगता है, जो आपका लास्ट नेम होता है वो आपका सरनेम होता है। ठीक है बच्चों, आगे है टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली कितने टाइप्स की होती हैं, फैमिली के प्रकार। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली, लेट अस नो अबाउट देम। फैमिली जो है, परिवार, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो आइए उन्हें जानते हैं। पहला क्या है, न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली बच्चों कौन सी फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली एक स्मॉल फैमिली होती है। इट हैज पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रन, यानी कि जिस फैमिली में मदर, फादर और चिल्ड्रन होते हैं बस, बच्चे, यानी कि एक बच्चा या दो बच्चे, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ना फोटो में, फादर, मदर एंड चिल्ड्रन, तो ये हमारी हो गई न्यूक्लियर फैमिली। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारी ज्वाइंट फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली भी टू टाइप्स की होती है, स्मॉल ज्वाइंट फैमिली और बिग ज्वाइंट फैमिली। स्मॉल ज्वाइंट फैमिली जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और बच्चे होते हैं, वो होती है हमारी स्मॉल ज्वाइंट फैमिली। और जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और अंकल, आंट और चिल्ड्रंस होते हैं, वो होते हैं बिग ज्वाइंट फैमिली। तो इन ए स्मॉल ज्वाइंट फैमिली देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रन, तो वो हो गई हमारी स्मॉल ज्वाइंट फैमिली। इन ए बिग ज्वाइंट फैमिली देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन,
ऑल लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस. जो बिग जॉइंट फैमिली होती है उसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट और उनके बच्चे सभी एक साथ एक ही हाउस में रहते हैं, वो होती है बिग जॉइंट फैमिली. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये बिग जॉइंट फैमिली है और ये स्मॉल जॉइंट फैमिली है. आगे है चिल्ड्रन ऑफ अंकल्स एंड आंट्स और कजिन्स. जो अंकल और आंटी के बच्चे होते हैं उनको वो हमारे होते हैं कजिन्स. क्या होते हैं वो? हमारे कजिन्स. अवर ब्रदर एंड सिस्टर आर कॉल्ड अवर सिबलिंग्स. और जो हमारे भाई बहन होते हैं, जो हमारे सगे भाई बहन होते हैं, वो होते हैं हमारे सिबलिंग्स. यानी कि जो अंकल आंटी के बच्चे होते हैं वो हमारे लगते हैं कजिन्स. आप उन्हें क्या बोलेंगे? कजिन्स. और जो आपके सगे भाई बहन होते हैं वो होते हैं आपके सिबलिंग्स. सम पेरेंट्स डू नॉट हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन. कुछ पेरेंट्स के अपने बच्चे नहीं होते हैं. दे अडॉप्ट अदर चिल्ड्रन एंड ब्रिंग देम अप एज देयर ओन. वो दूसरे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं यानी कि गोद लेते हैं और अपने साथ ही उनको रखते हैं हमेशा के लिए. वो अपने पास ही उनको रख लेते हैं गोद लेकर. तो दिस इज कॉल्ड अडॉप्शन. इसे क्या कहते हैं? अडॉप्शन कहते हैं. यानी कि बच्चों को गोद लेना. जिन पेरेंट्स के अपने बच्चे नहीं होते हैं वो दूसरे बच्चों को गोद लेते हैं और इन्हें कहते हैं अडॉप्शन. ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं. शेयरिंग एंड केयरिंग. शेयरिंग मतलब बांटना और केयरिंग मतलब देखभाल. ठीक है. मेंबर्स ऑफ फैमिली शेयर देयर हैप्पीनेस, सोरो एंड वर्क. जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, वो आपस में सुख दुख और काम को बांटते हैं. टू शो लव मतलब प्यार को जताने के लिए. एंड केयर फॉर वन अनदर. और एक दूसरे की देखभाल करते हैं. ग्रैंड पेरेंट्स टेक द चिल्ड्रन टू द स्कूल और टू देयर बस स्टॉप. जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं यानी कि जो हमारे दादा दादी होते हैं, आपने देखा होगा वो बच्चों को स्कूल छोड़ने या लेने जाते हैं, या फिर जब उनकी बस आती है सुबह स्कूल की तो वो उन्हें बस तक ड्रॉप करने जाते हैं, या फिर जब वो स्कूल से आते हैं तो वो बस से उनको लेने जाते हैं. होता है ना ऐसा बच्चों? तो ग्रैंड पेरेंट्स हमारी बहुत केयर करते हैं, बच्चों की बहुत केयर करते हैं. दे गिव देयर ग्रैंड चिल्ड्रन लव एंड केयर. वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि पोता पोती को, जो उनके घर में बच्चे होते हैं, उनको प्यार और उनकी देखभाल करते हैं. दे टेल देम इंटरेस्टिंग स्टोरीज. वो उनको बहुत ही मजेदार कहानियां भी सुनाते हैं. दादा दादी जो होते हैं वो आपको कहानियां सुनाते हैं ना. इंटरेस्टिंग मतलब बहुत ही मजेदार और स्टोरीज मतलब कहानियां. फादर वर्क्स टू अर्न मनी. फादर जो होते हैं, जो पिता होते हैं, वो काम करते हैं पैसे कमाने के लिए. यानी कि जो फादर होते हैं वो मेनली जॉब पर जाते हैं ना सभी के, क्योंकि उन्हें क्या करना होता है? मनी भी चाहिए होता है भाई. तो वो मनी अर्न करने के लिए बाहर जाते हैं वर्क करने के लिए. ही बायस फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड टॉयज फॉर द फैमिली एंड चिल्ड्रन. वो फल, सब्जियां और खिलौने खरीदते हैं परिवार और परिवार में रहने वाले बच्चों के लिए. आपके लिए जो टॉयज लाते हैं वो ज्यादातर फादर ही लाते हैं ना. तो फ्रूट्स, वेजिटेबल, टॉयज ये सब कौन खरीदते हैं? हमारे फादर खरीदते हैं. मदर लुक्स आफ्टर द हाउस. मदर जो होती हैं, जो हमारी माता होती हैं, वो घर की देखभाल करती हैं. शी हेल्प्स चिल्ड्रन इन देयर स्टडीज. वो बच्चों की पढ़ने में मदद करती हैं. स्टडी मम्मी कराती है ना ज्यादातर. सम मदर गो आउट टू वर्क. कुछ मदर्स जो होती हैं वो भी वर्क करती हैं यानी कि वो भी जॉब पर जाती हैं. चिल्ड्रन टेक पैट्स फॉर ए वॉक, वॉटर द प्लांट्स एंड ले द टेबल एट होम. जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक किसी किसी के घर में कोई एक पैट भी होता है यानी कि कोई पालतू पशु भी होता है. तो बच्चों को पशु जो हैं, जो पैट्स हैं वो ज्यादा पसंद होते हैं. तो बच्चे पैट्स की देखभाल करते हैं. वॉटर द प्लांट यानी कि पौधों में पानी देते हैं. वो इसी तरीके के छोटे छोटे कामों में, घर के कामों में मदद करते हैं. ऐसे छोटे छोटे काम करते हो ना आप भी, तो जो बच्चे होते हैं वो ये सब काम करते हैं. फन विद फैमिली. लिविंग टुगेदर इन द फैमिली इज ए ग्रेट फन. जो परिवार में सभी लोग साथ साथ रहते हैं वो बहुत ही मजा की बात होती है. यानी कि उससे बहुत ही मजा आता है और ये बहुत ही खुशनुमा मतलब क्रिएट माहौल क्रिएट होता है जो परिवार साथ साथ रहते हैं. ऑल द मेंबर्स गो आउट फॉर मूवीज. सभी परिवार के सभी सदस्य पिक्चर देखने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, सेलिब्रेट फेस्टिवल, सारे जो फेस्टिवल होते हैं, जो हमारे त्योहार होते हैं वो साथ साथ मनाते हैं. फंक्शंस यानी कि घर में जब कोई फंक्शन होता है वो सब एक साथ मनाते हैं.
एंड स्पेशल डेज टुगेदर। और जो कुछ स्पेशल डेज होते हैं जैसे कि आपका बर्थडे या घर में कुछ भी ओकेशन होता है तो परिवार के सभी सदस्य ये सब चीजें मिलकर साथ साथ करते हैं। दीज फैमिली गेट टुगेदर्स ब्रिंग फैमिली मेंबर्स क्लोजर। ये इस तरीके के जो फंक्शंस, फेस्टिवल, पिकनिक्स, मूवीज, ये सब चीजें होती हैं जिसमें सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, इनको बोलते हैं गेट टुगेदर्स, यानी कि सभी लोगों का एक साथ इकट्ठा होना, साथ साथ होना। तो ये इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं वो फैमिली के मेंबर्स को और पास लाते हैं, यानी कि उनमें और अच्छी जो है व्यवहार और अच्छा क्लोजर हो जाते हैं वो एक दूसरे के और भी ज्यादा। तो इस तरीके से गेट टुगेदर होने चाहिए ना बच्चों, इसीलिए जो फेस्टिवल्स हैं, पिकनिक्स हैं, ये ऑर्गेनाइज की जाती हैं जिससे कि फैमिली के सभी मेंबर साथ साथ आ सके। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे अच्छे से, ठीक है बच्चों। इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज वर्क है वो आपको बुक में ही फिल करना है, इसकी फोटोग्राफ आपको सेंड कर दी जाएगी और कॉपी में आपको इस चैप्टर के सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स करने हैं। तो जो वर्ड मीनिंग है वो आपको फोटो सेंड कर दी जाएगी और फिर आप करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आप बुक में भी फिल करेंगे इस तरीके से और कॉपी में भी करेंगे। तो आपकी नोटबुक का वर्क है वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर, और बुक में आपको सारी एक्सरसाइज वर्क फिल करना है। और ये जो आपको स्टार्टिंग में होमवर्क बताया गया था ये भी आपको बुक में ही फिल करना है। अब आप समझ गए ना ये पूरा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।